प्राधिकरण के द्वारा खासकर अपना मेले की इतिहास कितना पुराना रहा है, कितना समय से रहा है और प्राधिकरण ने कब से इसको समझा? देखिए ये मेला तो काफ़ी पुराना है, 1905 में इस मेले की शुरुआत हुई और तब से मेला निरंतर चल रहा है। 1996 में जो है ये ग्वालियर मेला प्राधिकरण, व्यापार मेला प्राधिकरण का गठन हुआ, तब से प्राधिकरण इसको संचालन कर रहा है। मेले का तो ये अपना बहुत पुराना इतिहास है और ग्वालियर व्यापार मेला आज से नहीं 106 वर्ष से लगातार चलता आ रहा है और इसका एक अपना एक अपनी गरिमा, एक अपनी साख है और प्राधिकरण ने इसको 96 से इसको प्राधिकरण ने अपने हैंडओवर लिया है। 107 वर्ष इस मेले को हो गए, 107 ईयर्स। और जब ये मेला शुरू हुआ था पशु मेले से प्रारंभ होकर और छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर उस समय लगा करती होंगी, तो ये तो हो गया इतिहास बहुत पुराना। ग्वालियर व्यापार मेला यह आज से 107 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। उस समय तात्कालीन जो महाराज माधवराव प्रथम जो थे उन्होंने शुरू किया था और शुरू करने का उद्देश्य उनका यह था कि जनता को सुख और सुविधाएं पहुंचाना। अब उसका रूप बढ़ते बढ़ते धीमे विराट रूप हो गया। पहले तो केवल उसमें कृषक और पशु के साथ साथ व्यापार को भी बढ़ावा देने के लिए था, अब बढ़ के उसका रूप थोड़ा विराट हो गया। अभी इसकी गिनती जो है राष्ट्रीय मेलों में ये सब हो गई है। ग्वालियर मेले का इतिहास बहुत पुराना है, ये 107वां मेला लग रहा है। प्राधिकरण 1996 में मध्य प्रदेश शासन ने इसको गठित किया है। अपना अगर एग्जीबिटर्स जो आते हैं मेले में जी, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कौन कौन कहाँ से? देखिए इस मेले में पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, मतलब कश्मीर से, हैदराबाद से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, लगभग सभी प्रांतों के यहाँ दुकानदार यहाँ भागीदारी करते हैं। देखिए कश्मीरी सेक्टर में जैसे गारमेंट्स कश्मीर का पूरा सेक्टर में उनके जो विंटर वियर्स होते हैं और राजस्थान का अपना स्पेशल जो उनके वहाँ का है वो रहता है और बाकी पूरे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी जैसे पैनासोनिक है, सैमसंग है, सोनी है और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ सब अपना भागीदारी करती हैं और बड़े ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं बड़े अच्छे भव्य शोरूम यहाँ बनाती हैं। देखिए इस पूरे मेले में लगभग जो 35-40 दिन चलता है तो लगभग इसमें 200 से 250 करोड़ तक का टर्नओवर होता है और इसमें जो मेजर शेयर तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का रहता है, बाकी गारमेंट्स भी हैं और छोटे आइटम्स भी हैं। ये एक अकेला ऐसा मेला है कि जो मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों से लेकर और इसमें बड़ी सब्जियां हैं, सब्जियां स्थानीय तरीके से मिल जाती हैं। यहाँ तक इसमें मेरठ के, अलीगढ़ के, हाथरस के, दिल्ली के, गुड़गांव के और कानपुर, इटावा, काफी जगह से दुकानदार आते हैं और लोकल के तो हैं आसपास, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, यहाँ तक के भी लोग। मेले में वैसे तो सभी सेक्टर के की दुकानें लगती हैं, कश्मीर के व्यापारी भी आते हैं यहाँ पर, उनका एक अलग ही सेक्टर है। यूपी से एक बड़ी संख्या के अंदर लोग आते हैं जो खेल सामान की दुकानें या कॉस्ट या आपके रेडीमेड गारमेंट की दुकानें लगाते हैं। हरिद्वार से हमारे खाने वाले आते हैं, लुधियाना से बड़ी संख्या के अंदर लोहा या गारमेंट के शॉप्स लगाते हैं। मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी संख्या में, जैसे शिल्प मेला लगता है उसके अंदर लगभग सभी भारत से शिल्पी आते हैं, तो लगता है एक छोटे भारत का यहाँ पे स्वरूप यहाँ दिखता है। ऐसे छोटे मोटे कई सामान है जो अनुमन बाजार में नहीं मिलते हैं पर इस मेले में देखने को, मिलने को, खरीदने को मिलते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक के मामले में मेला 50% जो इस संभाग की बिक्री है वो इलेक्ट्रॉनिक की मेले से ही होती है और कंपनियां उनको विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक व्यापारियों को प्रोत्साहित करती हैं।
अब इसमें दुकानदार तो अपने काफ़ी अन्य राज्यों के भी आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा, इस प्रकार से फैलू ये कश्मीर है, इस प्रकार से अन्य काफ़ी राज्यों के आते रहते हैं। मेरे ख्याल से दोनों तरह के लोग यहाँ आते हैं। करीबन 100 किलोमीटर जो एरिया है अपना ग्वालियर का, गुना से लेकर के भिंड, मुरैना, धौलपुर और झांसी तक के लोग इस मेले को देखने आते हैं। ये आसपास के क्षेत्रों से, देखिए ग्वालियर चंबल संभाग है और इसके यहाँ थोड़ा विजिटर ज़्यादा रहते हैं, बस बाकी तो पूरे प्रदेश से यहाँ लोग इसको देखने आते हैं, बल्कि यहाँ पूरे शहरों से आसपास के यहाँ आते हैं। नॉर्थ इंडिया मतलब दिल्ली के प्रगति मैदान का जो ITPU लगता है नेशनल लेवल पर, उसके बाद दूसरा बड़ा उत्तर प्रदेश ये इस क्षेत्र का मेला है, तो सभी जगह के लोग यहाँ आते हैं और काफ़ी अधिक संख्या में आते हैं। बल्कि इतवार, रविवार और छुट्टी के दिन तो यहाँ लगभग जो मेरा अनुमान है वो 1.5 से 2 लाख तक पब्लिक यहाँ रहती है इस ग्राउंड में। वर्तमान में जैसा हम देख रहे हैं, ग्वालियर चंबल संभाग का व्यक्ति इस मेले में आता है और चूंकि बहुत उनको भी ये लगता है कि सुबह हम घर से चलें 5-6 घंटे का डिस्टेंस कवर करके 2-4 घंटे मेला घूम के फिर वापस चले जाते हैं, वो अपने घर पहुंच जाते हैं वो लोग।